Hi all of you. I hope you all are doing well. Welcome to Learning Wise and I am your host Kamlesh Sharma. आज इस वीडियो में हम लोग क्लास सिक्स के चार चैप्टर्स रिवाइज करने वाले हैं. चैप्टर टू एंड चैप्टर थ्री, चैप्टर फोर एंड चैप्टर फाइव. ऑल राइट, सो दिस इज माई वन नोट नोटबुक. इसमें ये मैंने पूरा कंटेंट डाल के रखा है एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद द ई बुक. ओके, सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट एंड हम लोग अपनी ई बुक के चैप्टर नंबर टू पे जाते हैं. ऑलराइट, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर टू. ठीक है, चैप्टर नंबर टू क्या है? कंप्यूटर मेमोरी. राइट, सो द वेरी फर्स्ट थिंग विच एवरीबडी शुड नो इज कंप्यूटर मेमोरी क्या है. ठीक है, सो कंप्यूटर मेमोरी, जैसे कि ह्यूमंस के पास मेमोरी होती है वैसे ही कंप्यूटर में भी मेमोरी है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर्स बिकॉज कंप्यूटर में मेमोरी होने की वजह से ही उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू या इम्पोर्टेंस है. राइट, सो लेट अस टॉक अबाउट मेमोरी. कंसिस्ट ऑफ वन और मोर चिप्स ऑन द मदरबोर्ड और यू कैन से इट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट दैट स्टोर इंस्ट्रक्शंस वेटिंग टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर. Data needed by those instructions and the result of processing the data. ठीक है, so जो भी instructions पर CPU या processor काम करने वाला होता है वो सारी instructions computer memory के अंदर रखी जाती है. Fine, so computer memory के अंदर basically data store होता है जिसके ऊपर processing होने वाली है, as well as जो data process हो गया है उसका भी रिजल्ट इसी मेमोरी में स्टोर होता है. फाइन, नाउ आगे बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी की यूनिट क्या है. जैसे हमारे पास जैसे हम लोग साइंस के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक हमारे पास डिस्टेंस है तो हम उसको किलोमीटर्स में मेजर करते हैं. हमारे पास लाइक लिक्विड्स हैं तो हम उनको लीटर में मेजर करते हैं. सिमिलरली मेमोरी की भी यूनिट है. कंप्यूटर मेमोरी को जब हम मेजर करते हैं तो उसके लिए ये आपके पास एक पूरे का पूरा चार्ट दिया गया है. ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चार्ट है. पर इससे पहले आपको पता होना चाहिए दैट कंप्यूटर बेसिकली अंडरस्टैंड्स ओनली 0 and 1 विच इज नथिंग बट द बाइनरी डिजिट. ठीक है, इसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? बिट. राइट, बिट की वैल्यूज या तो जीरो हो सकती है एक बारी में या तो वन हो सकती है. राइट, अ बिट कैन हैव अ वैल्यू ईदर जीरो और वन. और बिट है क्या? बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस एज वेल एज स्टोर. ठीक है, तो कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा जो है वो बिट है. राइट, सो ये हमेशा ध्यान रखना है. व्हाट इज अ बिट? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बिट? बाइनरी डिजिट. ठीक है, आई एम राइटिंग इट हियर, बाइनरी डिजिट. राइट, ये बिट की फुल फॉर्म है. राइट, ओके, नेक्स्ट लेट अस कम टू बिट्स के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं. क्योंकि बिट सबसे स्मॉलेस्ट है ना, तो उससे बड़ा कौन सा यूनिट है? उससे बड़ा एक यूनिट आता है जिसको हम कहते हैं निबल. राइट, और वो चार बिट के कॉम्बिनेशन से बनता है. ठीक है, so one nibble is equals to 4 bits. अब वो 4 bits 0000 भी हो सकते हैं, 0001 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. चार बिट का कॉम्बिनेशन, और हमें पता है बिट क्या है, या तो 0 या तो 1, तो 0 और 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, चार होंगे तो निबल कहलाएगा. ठीक है, उसके बाद जब 8 bit हो जाएंगे तो हम उसको एक नया नाम दे देंगे. वो नाम क्या है? एवरीबडी नोज that it is known as a byte, है ना? So 1 byte is equals to 8 bits, right? So 8 bit भी बोल सकते हैं आप, या आप ये भी कह सकते हैं कि 1 byte जो है वो 2 nibbles के equivalent है. Remember this thing, it is equivalent to 2 nibbles. Why? Because 1 nibble में 4 bit है, तो 4 into 2 कितना हो गया? 8 bits हो गया, right? So यानी कि 1 byte is equals to 2 nibbles also. Okay? Now, one more thing is there. 1 byte जो है आपके एक character के भी equivalent होता है. Right? 1 byte is equals to 1 character also.
ठीक है। सो वो कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर जो है कोई भी नंबर, कोई भी लेटर या कोई भी सिंबल हो सकता है जो आप अपने कीबोर्ड पर देखते हैं। ओके, सो ऑलवेज रिमेम्बर अ कैरेक्टर कैन टेक अ वैल्यू, लाइक अ कैरेक्टर कैन बी अ नंबर, अ सिंबल और एनी लेटर। फाइन, आगे बढ़ते हैं। ये सबसे छोटा था बिट, बिट के बाद निबल, निबल के बाद बाइट, ठीक है। अब बाइट के बाद भी बहुत सारी हमारे पास सीरीज है मेमोरी यूनिट की, वो इस टेबल में आपको मेंशन है, ठीक है। 1 byte इज इक्वल्स टू 1 कैरेक्टर, देन 1 kilobyte, किलोबाइट को हम KB भी कहते हैं, इट इज इक्वल टू 1024 ऑफ बाइट्स, ठीक है। देन 1 megabyte इज इक्वल्स टू 1024 kilobyte, 1 gigabyte इज इक्वल्स टू 1024 megabyte, 1 terabyte इज इक्वल्स टू 1024 gigabyte विच इज GB ऑल्सो, देन 1 petabyte और PB इज इक्वल्स टू 1024 terabytes, 1 exabyte XB इज इक्वल्स टू 1024 petabytes, 1 zettabyte इज इक्वल्स टू 1024 exabyte, 1 yottabyte इज इक्वल्स टू 1024 zettabytes, 1 brontobyte विच इज इक्वल टू BB, सो 1 brontobyte इज इक्वल टू 1024 yottabytes। ओके, सो ये पूरा एक टेबल है एंड आई मस्ट टेल यू, इसको लर्न करना बेहद ईजी है बिकॉज हर एक यूनिट की वैल्यू जो है 1024 के ही इक्विवेलेंट है। द ओनली थिंग इज आपको ये सीक्वेंस लर्न होना चाहिए, लाइक फर्स्ट इज योर बाइट, देन किलो बाइट, देन मेगा बाइट, देन गीगा बाइट, देन टेरा बाइट, देन पेटा बाइट, देन एक्जा बाइट, जेटा बाइट, योटा बाइट एंड ब्रोंटो बाइट। ओके, ये आपको इसका सीक्वेंस लर्न रहना जरूरी है। ओके, इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाना चाहती हूँ, बट आई विल मेक दैट वीडियो अ लिटिल लेटर ऑन, जिसमें मैं आपको ये कन्वर्जन्स भी सिखाना चाहती हूँ, ठीक है। सो आई विल श्योरली मेक वन वीडियो जिसमें आपको मैं पूरी कन्वर्जन समझाऊंगी, कैसे आप एक एक ब्रोंटो बाइट में भी कितने बाइट होते हैं वो भी आप फाइंड आउट कर पाएंगे। ऑलराइट, वेल अभी उसकी नीड नहीं है क्योंकि अभी ये चैप्टर की रिविजन है, सो लेट अस फोकस ऑन द रिविजन ऑफ द चैप्टर। ऑलराइट, सो मैंने आपको बाइट बता दिया, इट इज इक्विवेलेंट टू 1 कैरेक्टर, एंड 1 कैरेक्टर इज इक्विवेलेंट टू अ नंबर, कैरेक्टर नंबर लेटर और अ सिंबल, ठीक है। 1 byte 8 bit के बराबर होता है। बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है कंप्यूटर का, क्योंकि बिट 0 या 1 होती है, उससे छोटी कोई वैल्यू नहीं है कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर के पास, जिसको वो प्रोसेस कर सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ये जो कंप्यूटर मेमोरी है जिसके अंदर डेटा स्टोर हो रहा है प्रोसेसिंग के लिए जाने के लिए, ये मेमोरी, इसके 2 basic parts हैं, ठीक है। तो जब हम कहते हैं कंप्यूटर मेमोरी, सो कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इंटू 2 parts। 1 इज द प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम कहते हैं मेन मेमोरी भी, ठीक है, इसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। देन वी हैव द सेकेंडरी मेमोरी ऑल्सो, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं इसको। देन लेट अस टॉक अबाउट ये प्राइमरी मेमोरी क्या है। प्राइमरी मेमोरी को हम वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। एंड इसके फर्दर 2 पार्ट्स हैं, रैम एंड रोम। फाइन, रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। फाइन, तो रैम एंड रोम का कुछ बेसिक नेचर रहता है विच यू ऑल शुड अंडरस्टैंड, ठीक है। तो रैम क्या है? रैम का नेचर है वॉलेटाइल होना, रोम का नेचर है नॉन वोलेटाइल होना, ठीक है। दोनों ही, रैम और रोम दोनों ही सेमीकंडक्टर मटेरियल से बन के रेडी होती है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है विच एवरीबडी शुड नो। दैट वोलेटाइल का मतलब है जब तक आप अपने कंप्यूटर में काम कर रहे हैं वो डेटा आपको विजिबल हो रहा है, जैसे ही आपका सिस्टम बंद हो जाता है सारा डेटा लूज हो जाएगा, सारा डेटा क्योंकि वो रैम में होगा, सिर्फ तब तक ही दिख सकेगा जब तक आपका सिस्टम ऑन है, उसके बाद वो आपको नहीं दिख पाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं वॉलेटिलिटी या वॉलेटाइल होना।
फाइन। सो अभी डिस्कस करते हैं रैम क्या है। रैम मेन मेमोरी है, ठीक है, क्योंकि मेन मेमोरी के हमने दो पार्ट्स पढ़े हैं, है ना, रैम एंड रोम। तो वी कैन से रैम इज ऑल्सो द मेन मेमोरी, और ये मेमोरी चिप से मिलकर बनी होती है। ये रैम चिप है आपके सामने फिगर में, ठीक है। एंड जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ फाइल्स हैं वो हार्ड डिस्क से रैम के अंदर लोड होती है, ठीक है, और तब तक वो फाइल रैम के अंदर रहती हैं जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है, ठीक है। सो ये बेसिक बेसिक वर्क है। जब आप किसी भी एप्लीकेशन को अपने सिस्टम में ऑन करते हैं तो हार्ड डिस्क से उसकी फाइल्स आती हैं रैम के अंदर और वो आपको दिखना शुरू हो जाता है। ऑलराइट, सो दिस इज वन थिंग। नाउ रैम की अगर मैं वॉलेटाइल नेचर की बात करूं तो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि रैम जो है, रैम का कंटेंट जो है लॉस्ट हो जाएगा जैसे ही हमारा कंप्यूटर ऑफ होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं सेव करना। आई होप ऑल दोज पीपल हु यूज कंप्यूटर दे नो हाउ टू सेव देयर वर्क, बिकॉज आपको सबसे पहली चीज़ यही सिखाई जाती है कि कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हैं तो उसको सेव कैसे करेंगे, है ना। व्हाई डू वी फोकस अ लॉट ऑन सेविंग एनीथिंग, बिकॉज आप जब सेव करेंगे तो आप अपने उस कंटेंट को फ्यूचर के लिए देख पाएंगे, इजंट इट। हमारा पर्पस सिर्फ कंप्यूटर में काम करना और उसको बंद कर देना नहीं है, रादर इट इज लाइक वी कैन वर्क ऑन कंप्यूटर और हम अपने उस वर्क को फ्यूचर में देख पाए 10 years फ्रॉम नाउ, 20 years फ्रॉम नाउ, और मे बी 1 week आफ्टर वी शुड बी एबल टू सी द वर्क और द कॉन्टेंट वी विच ऑन विच वी वर वर्किंग, है ना। सो इस चीज को एंश्योर करने के लिए कि आपका कंटेंट आपको मिलेगा, आपको क्या करना होता है, आपको अपना वर्क सेव करना पड़ता है, ठीक है। तो सेव करना मतलब इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द डेटा फ्रॉम रैम टू द हार्ड डिस्क, वेरी सिंपल। आप अभी अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो काम रैम में हो रहा है, बट अगर आप उसे रैम से, यानी कि आप उसको वॉलेटाइल से परमानेंट बनाना चाहते हैं, रैम से हार्ड डिस्क में ले जाना चाहते हैं, तो आपको सेव करना पड़ेगा। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट अस मूव ओवर टू टाइप्स ऑफ रैम। हमारे पास 3 types ऑफ रैम है, डायनेमिक, स्टैटिक एंड मैग्नेटो रेजिस्टिव, ठीक है। दीज आर द 3 categories ऑफ रैम। डायनेमिक रैम, ठीक है, डी रैम इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो डी रैम को फुल फॉर्म क्या होगा, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, मतलब काफ़ी सस्ती है, इजीली अवेलेबल है, ठीक है। एंड क्योंकि ये काफ़ी इजीली अवेलेबल है, इनएक्सपेंसिव है, इसीलिए बहुत पॉपुलर भी है, ठीक है। और हमारे पास बहुत सारे वैरायटीज ऑफ डी रैम अवेलेबल हैं। ये हमारे पास डी रैम की कुछ वेरिएशंस मेंशन है यहाँ पे, विच वी शुड नो, ठीक है। नाउ फर्स्ट इज एस डी रैम। एस फॉर सिंक्रोनस, डी फॉर डायनेमिक, आर फॉर रैंडम, ए फॉर एक्सेस, एम फॉर मेमोरी। सो कलेक्टिवली आप इसे क्या बोलेंगे, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये नॉर्मल डी रैम से ज्यादा फास्ट और ज्यादा रिलायबल रहती है। ओके, नेक्स्ट इज DDR SD RAM। DDR मतलब डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। दिस इज मच फास्टर देन द SD RAM एंड इसका जो ट्रांसफर रेट है वो डबल रहता है, ठीक है। हर क्लॉक साइकिल में दुगना डेटा ट्रांसफर करती है, दैट इज व्हाई ये फास्टर है। अब DDR जब आया तो DDR के कुछ वेरिएशंस आए, ठीक है। DDR के बाद आया DDR2, देन 3, देन 4। सो DDR2 क्या है, दिस इज द सेकेंड जनरेशन ऑफ DDR विथ मच फास्टर स्पीड एज कम्पेयर टू DDR1। ओके, सो DDR2 की स्पीड फास्टर है और ये सेकेंड जनरेशन ऑफ DDR है। देन DDR3 ऑफ कोर्स ये थर्ड जनरेशन है DDR3 का। DDR3 एज वी नो डबल डेटा रेट RAM, ठीक है। ओके, DDR3 को उन कंप्यूटर्स के लिए बनाया गया था जिनके अंदर मल्टी कोर प्रोसेसर है,
एक कोर नहीं, सिंगल कोर नहीं, मल्टी कोर प्रोसेसर्स आ गए थे इस टाइम तक, तो उनके लिए हमें और ज़्यादा बेटर वाली यू नो बेटर क्वालिटी रैम चाहिए थी। दैट इज़ वाई डेवलपर्स क्रिएटेड DDR3, विच वॉज ऑफ कोर्स फास्टर एंड बेटर देन दी प्रीवियस वर्जन विच वॉज DDR2। ठीक है, नेक्स्ट इज DDR4, एंड एज द नेम टेल्स यू ये फोर्थ जनरेशन DDR है, विच इज ऑफ कोर्स मच मच फास्टर देन द प्रीवियस वर्जन DDR1, DDR2 एंड DDR3। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज RDRAM। R means Rambus, D means Dynamic, RAM means Random Access Memory. So collectively इसका full form क्या है? Rambus Dynamic Random Access Memory. और ये SDRAMs के मुकाबले ज़्यादा fast है, ये इसकी quality है. Okay? Next is Static RAM, which is SRAM. ठीक है? Static RAM means Static Random Access Memory. ये काफ़ी fast और efficient है और बहुत expensive है. ठीक है, बहुत छोटी क्वांटिटीज में यूज होती है इन द फॉर्म ऑफ कैश मेमोरी। ओके, अभी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हम कैश मेमोरी को यहाँ पे और डिटेल में पढ़ेंगे। सो आई एम जस्ट मूविंग अहेड बाय टेलिंग यू कि कैश मेमोरी एक्सपेंसिव है, ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक्रीज या इम्प्रूव करती है कंप्यूटर की, कैसे करती है वो अभी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट इज मैग्नेटो रेजिस्टिव रैम, विच इज एम रैम। तो अगर आपको कहीं लिखा दिखे एम रैम तो आप क्या बोलेंगे? मैग्नेटो रेजिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये न्यू टाइप की रैम है। ठीक है, क्योंकि ये मैग्नेटो रेजिस्टिव इसका नाम है, और यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक चार्जेस यूज कर रहे हैं रादर देन इलेक्ट्रिकल चार्जेस। नाउ व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है जो लोग, जो मैन्युफैक्चरर्स एम रैम बना रहे हैं, वो यहाँ पे इसके ऊपर कंटेंट लिखने के लिए, ठीक है, कुछ भी कंटेंट इसमें डालने के लिए इलेक्ट्रिकल चार्जेस यूज नहीं करते, रादर वो क्या यूज करते हैं? मैग्नेटिक चार्जेस, तभी इसका नाम है मैग्नेटो रेजिस्टिव। फाइन, नाउ मैन्युफैक्चरर्स क्लेम दैट ये जो मैग्नेटो रेजिस्टिव रैम है इसकी स्टोरेज बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है, पावर कम लेती है, और बहुत जल्दी आप इसमें डेटा जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स इसका एक्सेस टाइम बहुत फास्ट है। ठीक है, एम रैम रिटेन्स इट्स कंटेंट इवन आफ्टर द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। दैट मीन्स कि ये नॉन वोलेटाइल है, मतलब अगर डेटा मीन्स अगर आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, आपके पास एम रैम है, कंप्यूटर शट डाउन हो गया ड्यू टू एनी रीजन, तो MRAM का डेटा लूज नहीं होगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये क्या है, दिस इज, सॉरी मैंने वोलेटाइल लिख दिया था, दिस इज बेसिकली नॉन वोलेटाइल। ठीक है, सो दिस इज नॉन वोलेटाइल नेचर, राइट। नेक्स्ट इज मेमोरी मॉड्यूल, वेरी इंटरेस्टिंग। मेमोरी मॉड्यूल क्या होता है? ये एक ऐसा सर्किट बोर्ड है जिस पर हम मेमोरी चिप रखते हैं, हम नहीं रखते बाय द वे। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, व्हाट दे डू इज जो रैम है उसको होल्ड करने के लिए एक उनको यू नो एक सर्किट चाहिए, राइट, या आप ऐसा कह सकते हैं कि एक 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 होल्डर चाहिए, यू नो एक बॉक्स चाहिए, राइट, टू कीप द मेमोरी चिप। तो मेमोरी चिप रखने के लिए जो बोर्ड है उस सर्किट बोर्ड को बोलते हैं मेमोरी मॉड्यूल। ठीक है, Remember what is the meaning of memory module, right? Now, यहाँ पे आपको डिस्प्ले में दिखाया गया ये फिगर है जो आपको मेमोरी मॉड्यूल डिस्क्राइब कर रही है, और एक रैम का मेमोरी मॉड्यूल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मेमोरी मॉड्यूल के भी दो टाइप्स हैं, SIMM, DIMM. SIMM means single inline memory module, जिसके अंदर जो पिन्स हैं वो सर्किट बोर्ड की ऑपोजिट साइड पे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है DIMM, जिसका फुल फॉर्म है ड्यूअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, जिसके पिन्स जो हैं ऑपोजिट साइड पे होते हैं, बट ये कनेक्ट नहीं करते। ओके, द पिन्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द सर्किट बोर्ड डू नॉट कनेक्ट एंड फॉर्म टू सेट ऑफ कॉन्टैक्ट।
और कनेक्ट नहीं करते तो दैट मीन्स दो सेपरेट कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं. फाइन, सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल एंड सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल. फाइन, इन सम वीडियो आई वुड ट्राई टू शोकेस यू दीज काइंड ऑफ मेमोरी मॉड्यूल्स. ठीक है, आई डेफिनेटली ट्राई कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको ये शो भी करूं कि ये दिखता कैसा है. राइट, चलो लेट अस मूव अहेड, आगे बात करते हैं रोम की. रोम अगेन प्राइमरी मेमोरी का ही एक पार्ट है. ठीक है, पर यहाँ पे वो डेटा होता है जो रीड ओनली होता है. ओके, आप सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं, आप उसको एज अ नॉर्मल यूजर आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते. इसीलिए इसका नाम जो है रोम है, रीड ओनली मेमोरी है. दैट इज वाई हम इसको नॉन वॉलेटाइल में कंसिडर करते हैं. नॉन वॉलेटाइल मीन्स सिस्टम आपका ऑन हो, ऑफ हो, कोई कुछ भी है, इसका कंटेंट एज इट इज रहे. अगर आप काम कर रहे हैं, कंप्यूटर स्विच ऑफ हो गया, यूपीएस का बैकअप ओवर हो गया, ठीक है, और कंप्यूटर बंद हो जाता है ड्यू टू एनी एनी रीजन, रोम का कंटेंट लूज नहीं होगा बिकॉज ये नॉन वॉलेटाइल है. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ऐसा क्या कंटेंट है जो रोम में रखा जाता है और उसको नॉन वॉलेटाइल बना के रखा जाता है. सो बेसिकली रोम के अंदर वो डेटा और वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो जो परमानेंटली रिकॉर्ड करके स्टोर कर दी गई है. ठीक है, जैसे हमारे पास आता है बायोस. ठीक है, BIOS, व्हाट इज बायोस? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. ये क्या है? दीज आर द इंस्ट्रक्शंस विच द कंप्यूटर फॉलोज टू लोड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर फाइल्स व्हेन यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर. व्हाट डज दैट मीन? जब आप अपना सिस्टम बूट करते हैं, BOOT, बूट बूट करना मीन्स, लेट मी राइट इट, व्हेन यू बूट योर सिस्टम, सिस्टम जब आप बूट करते हैं तो उसका मतलब है आप सिस्टम को ऑन कर रहे हैं. तो जब आप सिस्टम ऑन कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं, लाइक दीज आर द बायोस. ओके, कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस लिखी गई है रोम के अंदर जिनको लोड करवाता है कंप्यूटर ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपरली ऑन हो सके. उसके अंदर जो कुछ फाइल्स हैं वो हार्ड डिस्क से पिक करके जो है लेकर आई जाती है, लोड की जाती है, सो दैट आपका सिस्टम प्रॉपरली ऑन हो जाए. तो ये जो बायोस है, बायोस में जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की जो हम बात कर रहे हैं, दीज आर केप्ट अंडर रोम. ठीक है, ये रोम के अंदर रखी गई हैं सो दैट नो बडी कैन इजिली एडिट देम. कोई भी आके इन इंस्ट्रक्शंस को अननेसेसरीली चेंज ना कर पाए, एडिट ना कर पाए, डिलीट ना कर पाए किसी भी तरीके से. फाइन, सो दैट इज वाई रोम वॉलेटाइल नहीं है, रोम परमानेंट है, रोम नॉन वॉलेटाइल है, रीड ओनली है. ओके, नाउ लेट इस कम टू द वेरिएशंस ऑफ रैम, रोम, सॉरी नॉट रैम, आई एम टॉकिंग अबाउट रोम. ओके, नाउ रोम के अंदर कंटेंट कौन लिखता है? रोम के मैन्युफैक्चरर्स लिखते हैं. मैन्युफैक्चरर्स ऑफ रोम चिप्स ऑफन रिकॉर्ड द डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन ऑन द चिप्स व्हेन दे मैन्युफैक्चर देम. सो जब रोम मैन्युफैक्चर हो रही होती है, जब वो जो जब वो यू नो इट इज स्टिल इन द यू नो कंपनी, जब उस पे वो बन रही होती है उस टाइम उस पे इंस्ट्रक्शंस को मैन्युफैक्चर कर दिया जाता है, राइट कर दिया जाता है. ओके, नाउ हमारे पास इस चैप्टर के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स हैं रोम चिप के. व्हाट आर दे? पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम. नाउ व्हाट इज पी रोम? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ठीक है, ये एक ऐसा चिप है जो ब्लैंक रोम चिप होता है. इसके ऊपर आप आइटम जो भी कंटेंट है वो परमानेंटली प्लेस कर सकते हैं. ठीक है, सो परमानेंटली प्लेस करने का मतलब क्या है? हम नहीं प्लेस कर रहे हैं, प्रोग्रामर्स जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो माइक्रो कोड इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं और पी रोम चिप को प्रोग्राम करते हैं. पी रोम चिप को मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर इस पे कंटेंट प्लेस करते हैं. फाइन, दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. द नेक्स्ट इज ई पी रोम. ई पी रोम क्या है?
EEPROM electric, sorry, EEPROM means erasable programmable read only memory. ठीक है, दिस मीन्स ये वो कंटेंट है जो अल्ट्रा वायलेट लाइट यूवी लाइट से इरेज किया जा सकता है और रीप्रोग्राम किया जा सकता है. ठीक है, सो दिस इज द कंटेंट, ये वो रोम है जिसमें आप रीराइट तो करवा सकते हैं बट नॉर्मली नहीं, अल्ट्रा वायलेट रेज की हेल्प से, अल्ट्रा वायलेट लाइट की हेल्प से. ठीक है, नेक्स्ट इज ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ठीक है, नाउ ये जो है इसके अंदर प्रोग्रामर जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की हेल्प से माइक्रो कोड को इरेज करके दोबारा से लिख सकता है. दैट इज वाई इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल. ओके, मीन्स ये इरेज किया जा सकता है बट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ओनली. ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट इन द चैप्टर इज कैश मेमोरी, एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया है जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस और डेटा को स्टोर किया जाता है ताकि सीपीयू की स्पीड को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव या एनहांस किया जा सके. ठीक है, कैश मेमोरी इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट दीज डेज बिकॉज कैश मेमोरी की हेल्प से सीपीयू को बहुत ज़्यादा रैम पर या हार्ड डिस्क पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ कैश मेमोरी, कैश मेमोरी को बोला जाता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा फास्ट है और बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ होती है. ठीक है, नाउ इट इज़ ऑफ थ्री टाइप्स, थ्री लेवल्स, या इसके थ्री टाइप्स बोल सकते हो आप. पहला है L1 या लेवल 1 कैश, दूसरा है L2 या लेवल 2 कैश, तीसरा है L3 या लेवल 3 कैश. L1 कैश डायरेक्टली प्रोसेसर चिप के ऊपर बिल्ड की जाती है और बहुत ज़्यादा स्मॉल कैपेसिटी या बहुत ज़्यादा छोटी होती है. L2 स्लाइटली और L1 फास्टेस्ट भी है. L2 जो है वो L1 से थोड़ी स्लो है पर इसकी कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है. ठीक है, L3 जो है वो इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्लो है और ये मदरबोर्ड पर होती है, ये प्रोसेसर चिप के ऊपर नहीं होती, उससे थोड़ा सा दूर होती है पर होती मदरबोर्ड पर है. ओके, सो नाउ देखते हैं अभी काम कैसे होता है. जब प्रोसेसर को कोई इंस्ट्रक्शन चाहिए होती है वो सबसे पहले कैश मेमोरी में जाता है. ठीक है, और कैश में भी वो सबसे पहले L1 में जाता है. ठीक है, अगर आप ये फिगर देख पा रहे हैं तो यहाँ देखें कि ये प्रोसेसर है आपका और ये कैश मेमोरी है. दिस इज़ L1, L2 एंड L3, ये कैश मेमोरी है. राइट, सो सबसे पहले वो L1 को देखेगा, अगर उसको जो डेटा चाहिए वो L1 में मिल जाएगा तो उसका काम ख़त्म है ना, फिर वो आगे का प्रोसेसिंग पर काम चलाएगा. बट अगर L1 में नहीं मिलता तो वो L2 में ढूंढेगा, L2 में नहीं मिलता तो फिर वो L3 में देखेगा, और L3 में भी नहीं दिखता तब वो RAM के पास जाएगा, और RAM के पास भी नहीं मिलता तो वो हार्ड डिस्क के पास जाएगा. ओके, सो ऐसे ही नहीं होता कि रैंडमली प्रोसेसर कहीं पे भी पहुंच जाएगा. नो, देयर इज़ अ प्रॉपर सीक्वेंस टू इट. फर्स्ट इट विल सर्च द कंटेंट ऑन कैश, कैश में भी पहले L1, फिर L2, फिर L3, उसके बाद RAM और उसके बाद हार्ड डिस्क. ठीक है, दैट इज़ वाई जो है कैश एक्सपेंसिव है, क्योंकि कैश प्रोसेसर और रैम के बीच में एक लिंक का काम कर रही है. सारा वो सारी चीज़ें जो प्रोसेसर को चाहिए वो डायरेक्टली कैश पे रख दी जाती है, और इसीलिए प्रोसेसर को ज़्यादा सर्चिंग में या कंटेंट को फाइंड करने में टाइम नहीं लगाना पड़ता है. दैट इज़ व्हाई इट इज सेड इट इम्प्रूव्स द ओवरऑल स्पीड ऑफ द प्रोसेसर. I hope this concept is clear. The last in this chapter is secondary memory. Secondary memory का nature है permanent होना. ठीक है, क्योंकि ये non-volatile है, या we can say this is permanent. जो data हमने secondary memory में रख दिया है
वो कंप्यूटर के ऑन या ऑफ होने पर भी फर्क नहीं पड़ता, वो वहाँ परमानेंटली रहेगा। ठीक है, इसको हम बैकअप मेमोरी भी कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा, सबसे प्राइम एग्जाम्पल है हार्ड डिस्क। ठीक है, सो दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर।